पहले बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है इंडिपेंडेंस डे का मौका है, 78th इंडिपेंडेंस डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर जो हमारे देशवासी देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं पूरे भारतवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहूँगी मेरी तरफ से। और बहुत खुशी का माहौल है और आई थिंक ये खुशी बहुत ही जश्न के साथ पूरा भारत मना भी रहा है। हर घर तिरंगा, जैसे कि मोदी जी ने एक अभियान चलाया है हर घर तिरंगा, और वो कर भी रहे, हर भारतवासी उस चीज़ को फॉलो भी कर रहा है। बहुत खुशी होती है इस चीज़ की। और एक और अभियान चलाया था, आई थिंक जारी है अभी भी मोदी जी ने, जिसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। तो हम आज वही कर रहे हैं। फ्लैग होस्टिंग के बाद हम लोगों ने जो पेड़ लगाए, हमारी जो टीम है बहुत सारा सपोर्ट किया सब लोगों ने, अच्छा लगा काफ़ी। तो जो एक पेड़ माँ के नाम, ये इनिशिएटिव कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं पेड़ कटते जा रहे हैं और जिस तरह का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है पेड़ लगाना, जिससे कि लोगों को जान बचाई जा सके स्पेशली? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, हमारी जो रामा रोशन फाउंडेशन है उसने एक अभियान चलाया है, मोदी जी के अभियान को ही हमने फॉलो किया है। उन्होंने एक अभियान चलाया था एक पेड़ अपनी माँ के नाम। जिस इंसान को आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा, माँ हो, पिता हो, भाई हो या बहन हो, तो उस इंसान के नाम भी एक पेड़ आपको लगाना चाहिए। और बाकी देश की चीज़ों को देखते हुए, जैसे कि कोरोना जैसी चीज़ें हुई थी, वो ऑक्सीजन की वजह से प्रॉब्लम्स हुई, अगर जितने पेड़ लगेंगे, आई थिंक हर इंसान को एक पेड़, अगर एक इंसान एक पेड़ लगा रहा है तो शायद 140 करोड़ की आबादी है देश की, तो बताओ 140 करोड़ लोग पेड़ लगाएंगे तो देश की जो ऑक्सीजन जो बढ़ेगा देश में, जो लोगों के लिए जो बीमारियां कम होंगी, तो शायद बहुत बेहतर रहेगा। और मैं कहना चाहूँगी, जो मोदी जी ने जो अभियान चलाया था, हमारे जो आदरणीय सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने, एक पेड़ अपनी माँ के नाम, ये बहुत ही यूनिक भी है और बहुत अच्छा भी, और हर इंसान को ये टच करता है दिल से, है ना। जब बात माँ की आती है, भारत माँ, चाहे धरती माँ, चाहे हमारे झंडे की बात करें, चाहे किसी की भी बात करें, तो बहुत खुशी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को एक पेड़ तो ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कि वो ऐसा नहीं है कि वो किसी और के लिए बेनिफिट है, वो हमारे लिए बेनिफिट है। अगर मोदी जी ने बोला है कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, तो वो उनके लिए नहीं, वो हमारे लिए, आम जनता के लिए बेनिफिट है। तो आई थिंक सबको पेड़ लगाने चाहिए। और जो पेड़ काट रहे हैं, बड़े ज़्यादा हो जाते हैं, उनसे खतरा हो जाता है थोड़ा, उनको थोड़ा ऊपर से काट देना अच्छा है, लेकिन जड़ से काटना इज़ नॉट गुड। तो मैं ऐसा यही विनती करना चाहूँगी, जो लोग पेड़ काटते हैं, पेड़ ना काटें, मेहनत लगती है, लगाते हैं, फिर उसमें बड़ा करते हैं, फिर वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद हमें ऑक्सीजन देता है, बहुत मेहनत लगती है और सालों साल गुजर जाते हैं। तो मेरी सबसे यही विनती है, जो पेड़ काटते हैं वो पेड़ ना काट कर पेड़ लगाएं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। महक जी, आप जो है एंटरप्रेन्योर भी है और सोशल वर्कर भी है, एक्टर भी है, कैसे मैनेज करती है सब चीज़ें एक साथ में? बस हो जाता है मैनेज। क्या मोटिवेट का आशीर्वाद है, उनका साथ है और बाकी मेरी टीम का साथ है, जितने भी मेंबर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, चाहे वो एनजीओ के द्वारा जुड़े हुए हैं, चाहे मेरा बिजनेस है कपड़ों का, उसमें जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, अगर आपके साथ में लोग जुड़े हुए हैं, आपकी टीम है, तो सब मिलके उनका सपोर्ट होता है। जो मैन एक इंसान होता है, नाम उसका होता है, लेकिन जो आपके बैक हैंड में जो टीम बैठी हुई है, तो मेरा सारा श्रेय मेरी टीम को जाता है, ऑफ कोर्स सबकी हेल्प होती है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। और एज अ सोशल वर्कर आगे क्या क्या प्लान्स है उसके बारे में बता दीजिए, एज अ एक्टर क्या प्लान्स है और एज अ एंटरप्रेन्योर भी क्या प्लान है, वो भी बता दीजिए हमारे ऑडियंस। सबसे पहले तो एनजीओ के बहुत सारे प्लान हैं, जैसे कि जिन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाती है, हम वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको एजुकेशन दे पाए। और हमारी जितने भी लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं, अगर कोई काबिल है और महादेव जी ने उसको दिया है, तो कोशिश करें कि एक बच्चे को एजुकेशन दिला सके। और हमारी रामा रोशन फाउंडेशन का भी यही मकसद है कि बच्चों को एजुकेशन मिले और आगे बढ़े, अपने पैरों पर खड़े हों। और दूसरा, जितनी भी महिलाएं, सबसे पहले हमारा जो एनजीओ है सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए काम करता है, जो महिला पीड़ित हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा है, जो अनपढ़ हैं, जो घर में बैठी हैं लेकिन कुछ करना चाहती हैं,
तो उनके लिए RR फाउंडेशन, रामा रोशन फाउंडेशन खुला हुआ है। वो सोशल मीडिया पे जाके कांटेक्ट कर सकती हैं, मेरे ऑफिस आके कांटेक्ट कर सकती हैं, और हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे हर तरीके से। और एज ए एक्टर अभी हमारी मूवी आ रही है, शायद बहुत जल्दी हम बताएंगे, अभी शायद मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ। बहुत जल्दी हम लोग अक्टूबर में फ्लोर पर जा रहे हैं, उम्मीद है कि इस साल में ही रिलीज़ होगी, बट 2025 में ज़रूर रिलीज़ होगी। और आखिर में इंडिपेंडेंस डे का मौका है, कुछ विश करना चाहेंगे ऑडियंस के लिए? सबसे पहले तो आज का दिन बहुत खुशी का है, और खुशी भी हो रही है बहुत ज़्यादा, शायद शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है ऐसे मौक़ों को। पर सब देशवासियों से कहना चाहूँगी कि जितना हो सके जो दंगे, जो फसाद जो हो रहे हैं, चाहे मैं किसी धर्म की बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कोशिश यही है कि ये चीज़ें ना करें। बेटियों के ऊपर जो हाथ, जिस तरीके से बांग्लादेश अभी हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा है, हिला देने वाला हादसा है, और हर भारतीय को, हर हिंदू को हिला देने वाला हादसा है। शायद हमारी गवर्नमेंट, हमारे आदरणीय सम्मान्य प्रधानमंत्री जी शायद इस चीज़ पर कदम उठा रहे हैं या नहीं उठाया है, तो वो उठाएं। और मैं सबसे ज़्यादा बोलना चाहूँगी उस बेटी के लिए जिसके साथ में इस हादसे में बलात्कार हुआ है, तो उसको न्याय मिले। जो मंदिरों को तोड़ा गया है उनको न्याय मिले, वो मंदिर फिर से बनाए जाएँ। जिस गाय को हम माता बोलते हैं, हमारे भारत में माता कहा जाता है, उसको रोड पर चलते हुए काटा जा रहा है, ये बहुत घिनौना है, और रूह कांप उठती है ऐसी चीज़ें सुन के और देख के। पर मैं अपनी सरकार से यही विनती करना चाहूँगी कि इस चीज़ पर जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कड़ी से कड़ी मतलब कार्रवाई करें, बस यही कोशिश है। और प्यार से रहें, मानवता से रहें, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद करने से कुछ नहीं मिलेगा, आपके अपने ही जाएंगे इस दुनिया से आप, तो यही कोशिश है। इतना ही कहना चाहूँगी कि प्यार से रहें, मानवता से रहें। थैंक यू सो मच।